हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि कौन से स्मार्टफोन का कैमरा इंफ्रारेड रेज या फिर लाइट को फिल्टर करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये टेस्ट करना चाहेंगे कि ये हमारे रिकॉर्डिंग कैमरे पे वर्क करता है कि नहीं, और आपको दिख गया होगा कि हमारा कैमरा इंफ्रारेड लाइट्स या फिर रेज को फिल्टर नहीं करता है। तो एक्चुअली आज का वीडियो टॉपिक मेरे को मिला है यूट्यूब से ही। मैं एक लाइफ हैक देख रहा था जिसमें मैंने ये देखा कि आपको अगर चेक करना है कि आपका इंफ्रारेड रिमोट काम कर रहा है कि नहीं, तो आप उसे कैमरे के सामने लाकर कोई भी बटन दबाएं, अगर इंफ्रारेड रेज आपको दिखती हैं तो मतलब वो काम कर रहा है। तो चलिए स्मार्टफोन्स के ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक ये वीवो की डिवाइस है। तो सबसे पहले मैं इस पे कैमरे इस पे इंफ्रारेड रेज का टेस्ट करना चाहूँगा। और आपको दिख रहा होगा कि ये इंफ्रारेड रेज को फिल्टर नहीं करता है, तो इसको हम कर देते हैं साइड। तो अब हमारे पास है ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 5। तो अब हम इस पे टेस्ट करते हैं और ये फ़ोन भी फिल्टर नहीं करता है इंफ्रारेड रेज को। तो इसको भी हम करते हैं साइड, चूँकि ये भी फिल्टर नहीं करता। अब हमारे पास है एक ये वन प्लस 5, तब हम इस पर टेस्ट करेंगे। तो ये डिवाइस भी इंफ्रारेड रेज को फिल्टर नहीं करती है। अब हमारे पास है आईफोन, तो अब हम आईफोन पे देखेंगे कि ये आईफोन इंफ्रारेड रेज को फिल्टर करता है कि नहीं। मैं भी बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। टू प्रूव कि मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करना चाहूँगा आपको दिखाने के लिए। ये इंफ्रारेड रेज, आपको मेरा हाथ भी दिख रहा होगा। और यहाँ से आपको दिख गया होगा कि मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई इंफ्रारेड रेज आईफोन नहीं पकड़ रहा। इसका मतलब वो इंफ्रारेड रेज को फिल्टर कर देता है। दोस्तों आज की वीडियो हमने ये देखा कि आईफोन इंफ्रारेड रेज को फिल्टर कर देता है बाकी फ़ोन्स के कंपैरिजन में, जैसे वन प्लस 5, गैलेक्सी नोट 5 और एक नॉर्मल सा वीवो का स्मार्टफोन। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। तब तक करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।